सूरतुल इखलास गुज़िश्ता हफ्ते के दर्स में इसकी इब्तदाई कुछ बातें फ़ज़ाइल के हवाले से, इस सूरत की जामियत, इसकी अहमियत के हवाले से बयान की गई। ये सूरत जैसा कि हसन दर्जे पर पहुँचने वाली बाज़ रवायात में मज़कूर है कि मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमसे अपने रब का नसब बयान कीजिए। उनके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई कि रब की शनाख्त या पहचान और उसका तारुफ़ इस सूरत के हवाले से आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की 5 इंतहाई जामे सिफात बयान की गई कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वो अहदियत का हामिल है, वो असमद है, सारी मखलूक अपनी ज़रूरियात मसाइल मशाकिल के हल के लिए उसकी तरफ कसद व इरादा करते हैं, वो किसी का मोहताज और किसी का ज़रूरतमंद नहीं है, उसका कोई मसील नहीं है, उसके लिए कोई आगाज़ नहीं है, उसका कोई अंजाम नहीं है और उसका कोई मसील और नज़ीर नहीं है। ये पांच जामे सिफात इस तरीके से इस मुख्तसर सी सूरत में पिरोई हुई हैं कि रहमान की सिफत बिल्कुल खुलकर वाज़ेह अंदाज में आज सामने आती हैं, जिसकी तफसील कुरान के एक तिहाई हिस्से में फैली हुई है। इसीलिए इस सूरत को तादिलो सुलुसल कुरान सही अहादीस में कहा गया कि ये एक सूरत एक तिहाई कुरान के मुसावी है। फ़ज़ाइल में हमने पढ़ा कि ये ऐसी सूरत है कि जो शख्स इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करेगा। मुस्लिम शरीफ की रवायत को वाक़े की शक्ल में हमने पढ़ा। इसी तरीके से जो शख्स दिन में 10 मरतबा इस सूरत को पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। जैसे जैसे 10-10 बढ़ेगा, हाँ, घर में भी इजाफा होता जाएगा। इसी तरीके से इसकी फजीलत में हमने ये भी पढ़ा कि इस सूरत को जो शख्स सूरह फलक और सूरह नास के साथ सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ेगा, ये उसके लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगी। इसे तौहीद के इल्मी तौहीद इल्मी पर मुश्तमिल होने की वजह से, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि ये तौहीद इल्मी अपने अंदर समेटे हुए है, और सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून तौहीद अमली तौहीद इल्मी पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल इखलास का नाम दिया गया। इसके और भी कई नाम हैं, एक नाम जो मशहूर है सूरह इखलास और एक कुल हुवल्लाहु अहद। इसके अलावा इस सूरत को सूरतुल असास भी कहते हैं, असास यानी बुनियाद, हाँ, यानी ये वो सूरत है जिसमें इस्लाम की बुनियाद यानी तौहीद को बहुत मजबूत अंदाज में और वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है, सूरतुल असास। इसी तरह इसका एक नाम अस्सूरतुस समद है, इसलिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें करीम अस्समद का जिस जिक्र है इसका तस्किरा आया है। बाज़ उलमा ने जैसे तहरीर व तनवीर के मुफस्सिर शेख अल्लामा इब्ने आशूर ने और भी कुछ उलमा के हवाले से बाज़ नामों का तस्किरा किया है, जैसे सूरतुत तौहीद, सूरतुत तजरीद और कुछ नाम जो अहले इल्म की जानिब से मज़कूर हैं। चुनांचे इसके तादुद नामों की कसरत इसकी फजीलत की कसरत या पहलुओं को वाज़ेह करती हैं। आइए इस सूरत पर एक नज़र डालें और गौर करें कि क्यों ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है, क्यों इस सूरत के बारे में हम ये कह रहे हैं कि रहमान की सिफत इसमें सिमटी हुई है और ये कुरान की इंतहाई जामे अपने अल्फाज में मुख्तसर होने के बावजूद इंतहाई जामे सूरत कहलाती है। चुनांचे सबसे पहले देखिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह इस्मुल जलाला का थोड़ा सा तस्किरा इससे पहले और बास पिछले कुछ दुरूस में किया जा चुका है। आप कह दें कि अल्लाह एक है। अहद लुगत में अहद का माना वाहिद ही होता है। फ़र्क यह है कि वाहिद इस्नैन सलास, जब हम गिनती की शुरुआत करते हैं तो गिनती की शुरुआत के लिए लफ्ज़ वाहिद का इस्तेमाल होता है, हाँ, और अहद का इस्तेमाल गिनती के एतबार से नहीं होता कि वो एक है, यानी गिनती का खात्मा बस अकेला है, इस माना में अहद का इस्तेमाल होता है। यानी वित्र, शेख अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्ला कहते हैं अल अहद का माना यह है अल वाहिदुल वित्र अल्लज़ी ला शबीह लहू वला नज़ीरा वला साहिबता वला वलदा वला शरीक, कि वो ज़ात जो एक है, वित्र है ताकदत, तन्हा अकेली, जिसका कोई शबीह मुशाबहत रखने वाला नहीं है, जिसका कोई नज़ीर उसके मिसल कोई नहीं है, और ना ही उसकी बीवी है, ना उसका बेटा है, और ना कोई उसका पार्टनर साझीदार और शरीक है।
ये तीनों का एक ही माना है, वजाहत के लिए मैंने तीन अल्फाज मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल किए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से एक जलीलुल कद्र नाम है, अल अहद और अल वाहिद। अल अहद कुरान की इस आयत में आया है, कुल हुवल्लाहु अहद, और वाहिद जो है वो कई जगह इस्तेमाल हुआ है। अल वाहिद जो है अल वाहिदुल कहार, कई जगह अल कहार के साथ है। फइलाहुकुम इलाहु वाहिद, कहीं उसके अलावा भी है। इन्नहु हुवल वाहिदुल कहार, अल्लाह हुवल वाहिदुल कहार। ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है, जिसके माना में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक